अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जो है वो थर्सडे है, तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ आई हुई हूँ। तो आज मैंने यहाँ से वीडियो बनानी थी, इसलिए कि मैंने बताना था कि मैंने कि मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना सक रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा जो था वो गला ख़राब था काफ़ी दिनों से। तो मैंने अपनी जो दो तीन वीडियोस पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने अपनी वॉइस जो है वो ऐड नहीं की थी, तो क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं इतना बोल नहीं पा रही थी। अभी भी थोड़ी सी खराश है मुझे। और तीसरा रीज़न ये कि मैं जो भी अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, सिवाय मेरी एक जो व्यूवर है वो मुझे देखती है, उनका मुझे रिस्पांस आता है। क्योंकि मैं अपने जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं कमेंट बॉक्स में मैं पूछती रहती हूँ कि मुझे आप सजेशंस दें, तो मुझे एक्चुअली कोई सजेशन आता नहीं है। मैं तो फिर जो है वो मगरिब और इशा की अज़ान वग़ैरह ही रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देती हूँ, वो भी इसलिए कि एज अ सवाब जो है वो मैं अपलोड करके डाल देती हूँ, क्योंकि अजान सुनना सवाब ही का काम है। तो मुझे कोई सजेशन जब तक नहीं मिलेगी तो मैं नया कंटेंट कैसे डालूँ। मैं जो है वो हर बार बार मेरी सिर्फ यही वीडियोस आती रहती हैं कि मैंने मगरिब की या इशा की अजान रिकॉर्ड करके अपलोड की है। तो ये तीन रीज़न थे जिस वजह से मैंने इतने अरसे से कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किए। तो इंशाल्लाह मेरी जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगी तो मैं अपनी वीडियो पे ज़रूर फोकस करूँगी, मेरा फोकस मेरी वीडियो पे होगा और मैं दोबारा वीडियोस अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। अभी मेरे एग्ज़ाम्स बस दो पेपर मेरे रह गए हैं, उसके बाद मैं जो है वो अच्छी तरह सोच के और फिर वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगी जैसे मस्जिद कुबा हो गया, अहद शरीफ हो गया, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से तो अपना वीडियोस बना के अपलोड ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे मेरी जो है वो वीडियोस पर मेरी एक ही व्यूवर है वो कमेंट करती हैं, गालिबन का नाम था रिफत निसा, हाँ, तो वो ही मेरी वीडियोज़ पर जो है वो कमेंट करती हैं, तो वो मेरे ना जहन में रह गई हैं, वो मुझे हर वक्त याद रहती हैं। मैं जब भी हरम शरीफ आती हूँ यहाँ पर तो वो मेरे जहन में होती हैं, मैं उनके लिए उनके बेटे के लिए ज़रूर दुआ करती हूँ। अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप मेरी दुआओं में हमेशा याद हैं, क्योंकि मैं आपके ना कमेंट्स हैं, अगर मेरी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वीडियोज़ हैं ना, तो उन 10 वीडियोस में से दो या तीन वीडियोस पे तो आपका कमेंट ज़रूर होते हैं, तो आप उन कमेंट की वजह से ना आप मेरे माइंड में रह गई हैं, और मैं आपके और आपके बेटे के लिए दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह पाक आपकी और आपके बेटे की हर मुश्किल को आसान फरमाए, और आप सबको जो है मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Hayya 'ala s-salah.
الحمد لله.